और तुमको तो आंख भी नहीं बंद करनी चाहिए। तो ध्यान दीदार में भी जो जाते हैं उनकी आंखें मोस्टली बंद हो जाती है। याद में बैठना है ना, तो आर्टिफिशियल याद में बैठा जाता है क्या? कोई भी संबंधी को कोई याद करता है तो आंखें बंद करके बैठ जाता है क्या? वो तो आर्टिफिशियल याद हो गई। ओरिजिनल जो याद होती है वो तो चलते फिरते उठते बैठते जहां भी जिससे प्यार होता है वो याद आ जाते हैं। तो आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए क्या? कि आंखें खोल करके बैठेंगे तो कोई सामने आ जाएगा तो उसकी बुद्धि में याद आ जाएगी। डर कब लगता है? कुछ अंदर खोट होती है, कोई चोर बैठा होता है तो उसे डर लगता है। तो आंखें खोलकर बैठने से डरना नहीं चाहिए, आंखें सदैव खुली हुई हो और बुद्धि में मासूक की याद रहे। अगर आंखें बंद की तो जैसे गोया अंधा हो गया। अंधे की औलाद अंधा हो गया, यह कायदा नहीं है क्या? कि बंद आंखें करके बाप को याद करें। बाप कहते हैं याद में तो भल बैठो, परंतु ऐसे थोड़े कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद करेंगे व कांध नीचा करके बैठेंगे तो फिर बाबा देखेंगे कैसे? मुख्य बात तो ये है। याद में बैठना है तो आंखें खुली हुई हो तो बाप भी बच्चों को देखेंगे, माना दृष्टि जो षष्ठी सुधारने वाली है। दृष्टि से षष्ठी बनती भी है और दृष्टि से षष्ठी बिगड़ती भी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की दृष्टि से षष्ठी सुधरती है और देहधारियों की दृष्टि से षष्ठी बिगड़ती है।